It is astonished to know that every year about 1.5 lakh of the people are being died and about 5 lakhs of people get injured in road accidents. Country cashless treatment may be provided to the accident victim during golden hours, and there is need to the increase the minimum compensation for death and injury cases, sir. There is a dire need of mandatory recall of motor vehicles if a defect in the vehicle may cause damage to the environment or the driver or the road user. From time to time, with a ban of use of the vehicle which is have completed 10 to 15 years of life across the country, sir. Iska alawa abhi ek ek state ke andar वो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस है सब. एक कर्नाटक में एक तरीका का टैक्स है, आंध्र प्रदेश में एक तरीका का टैक्स है, तेलंगाना में एक है, नॉर्थ इंडियन में है, तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग टैक्सेस है. वो टैक्सी का वो स्टेट गवर्नमेंट का एक रूल्स रेगुलेशंस का भी कोई कंडीशंस नहीं है. जिसका स्टेट वाला जिसका मर्जी से वो टैक्सेस वसूल करके वो छोटा स्टेट को भी ज्यादा टैक्सेस है, बड़ा वैल्यूम टैक्स, बड़ा वैल्यूम जो रहता है उसके लिए भी टैक्सेशन का वेरिएशन डिफेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. उसको भी हमारा आपका तरफ से हमारा मंत्री जी भी हम कहना चाह रहे, फिर एक एक स्टेट का छोटा बड़ा स्टेट को भी थोड़ा मॉडिफाई करके, छोटा स्टेट को थोड़ा टैक्स कम करके, बड़ा टैक्स के लिए रोड टैक्स के लिए थोड़ा सुझाव देने के लिए भी आप लोग सोचना इसके बारे में सर. इसका अलावा ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है, एक कैलेंडर ईयर भी होता है, अगर इस बिल के अंदर जो जोड़े हुए उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है सब. क्लैरिटी का मतलब क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग जनवरी से दिसंबर तक मैन्युफैक्चरिंग करके दिसंबर में जो इनवाइस होता, अगर वही गाड़ी को जनवरी में इनवाइस में चेसिस नंबर इंजन नंबर मेंशन करके भी फिर मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2020 का भी बेचने का उसमें चांसेस ज्यादा है सर. उसको भी थोड़ा रेक्टिफाइड करने के लिए हम थोड़ा सुझाव दे रहे हैं आपका तरफ से सब. और एक अगर दिसंबर का इनवाइस जनवरी में रेज करें तो भी व्हीकल का वैल्यू कम हो जाता. अगर फाइनेंशियल ईयर अलग है, कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर ईयर का डिफरेंट है, उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी को भी आप सुझाव देना सब. फिर और एक मेजर इशू ड्राइवर का, हर जगह पे पूरा सारे इंडिया में पूरा हर जगह पे भी ड्राइवर्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. आपका मोटर व्हीकल्स का, लारी ड्राइवर्स भी, कार ड्राइवर्स का, इसका अलावा मिशनरीज का, फिर ये कंस्ट्रक्शन मिशनरीज, मोटर ग्रेडर भी, एक्सकवेटर, जेसीबी, इसका अलावा अभी कोल माइनिंग में चलने का मिशनरी का भी ऑपरेटर्स बहुत शॉर्टेज है. इसके लिए गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का तरफ से ये आईटीआई डिप्लोमा कुछ कोर्स नया कोर्सेस लगा के 6 महीने 7 महीने और 1 ईयर 2 ईयर्स का भी कोर्स लगा के ये इम्पोर्टेंट मिशनरीज पूरा इंडिया में इम्पोर्ट कर रहा है. उसके बारे में अभी कोई ऑपरेटर प्रॉपर ऑपरेटर नहीं है, किधर भी नहीं है, कोई स्टेट के अंदर नहीं है. कई हजारों मिशनरीज अभी हेल्डअप हो जा रहा, ऑपरेटर नहीं मिल रहा. उसके बारे में भी आप सोचना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट भी वो ऑपरेटर के मैकेनिकल्स के लिए भी ये बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम चालू होने का ये सुधार है, इसका चांसेस है, उसके बारे में सोचना है. अभी यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज द ड्राइवर्स आर बीइंग अलॉटेड कोड इंश्योरेंस लाइसेंस थ्रू ऑनलाइन फिक्स्ड ड्यूटीज पर डे थ्रू जीपीएस सिस्टम्स. फिर बाहर कंट्री में जो ड्राइवर कितने घंटे चलाना, कैसा चलाना, उसका जीपीएस लिंकअप, उसको ड्राइवर के लिए जीपीएस लिंकअप रहता. अगर अपने पास भी अगर वो सिस्टम लगाए तो वो ड्राइवर कितने कौन सा घंटे में ड्यूटी पे है, कब उतरने का, कितने घंटे चला है, वो भी सिस्टम अपने इंडिया में भी लगाए तो भी एक्सीडेंट कम होने का चांसेस ज्यादा है सब. द यूनियन गवर्नमेंट मे बी टेक स्टेप्स टू बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आईटीआई लेवल्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज टू बी प्रोवाइडेड सब्सटेंट ट्रेनिंग टू द ड्राइवर्स ऑन हाउ टू डील विद गेस्ट, नॉट ओनली ड्राइवर्स ऑपरेटर्स लाइक
other motor vehicles also. Sir, are motor vehicles, are imported vehicles aake apna India mein kai saalon ka 10-15 saal se apna MNC companies aake apna India mein bhi motor vehicles ka फिर शोरूम्स लगा के कंपनीज लगा के गाड़ियों को अभी मार्केटिंग कर रहा है, मगर अभी भी 15 साल के बाद भी कोई स्पेयर पार्ट कोई दूसरा दुकान में मिलने का चांसेस नहीं है. गए तो सीधा शोरूम को जाना, उसी का वर्कशॉप में काम कराना, मगर किधर भी बाहर करने का चांसेस नहीं है. उसके वजह से भी पूरा डीलर पूरा कस्टमर के पास ज्यादा पैसे लेके कस्टमर्स को चीटिंग करने का ज्यादा चांसेस है. अगर ये मोटर व्हीकल के एक्ट के अंदर वो भी अभी नया शोरूम नया डीलर जो भी है तो भी एक साल के बाद दो साल के बाद कंप्लीटली अब बाहर शोरूम से मिले तो कस्टमर्स के लिए फैसिलिटीज भी हो सकता. इसका अलावा प्लीज कंक्लूड एक मिनट सर. ये स्पेयर पार्ट्स भी अभी इंडिया के अंदर कई राष्ट्रों में डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स का ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, हर जगह पे ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स का जगह पे पूरा डुप्लीकेट का स्पेयर पार्ट्स का ज्यादा शोरूम्स में मिल रहा है. इसके वजह से भी व्हीकल पूरा डैमेज हो रहा. फिर ये जिधर भी अपना ब्लास्ट स्पॉट्स है वो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के अंदर वो इमीडिएटली वो ब्लास्ट स्पॉट्स भी कवर करने का अभी चांस दे रहा. इसका अलावा पार्किंग का भी बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम है. फिर पार्किंग की वजह से नया ड्राइवर्स नया ऑपरेटर्स भी आने के लिए बहुत सारे दिक्कत हो रहा, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है. उसके लिए भी अपना यूनियन गवर्नमेंट में जो नया एक्ट में इम्पोर्टेंट इश्यू